आज हम थोड़ा बात कर लेते हैं स्कूल डेज के बारे में, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए। बस ऐसे ही बात कर लेते हैं, मन किया तो बात कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें भी आइडिया लगे द पर्सन हु इज़ गाइडिंग यू अ लिटिल बिट अबाउट हिज बैकग्राउंड। दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी इन इंग्लिश, दिस इज़ कम्प्लीटली गोइंग टू बी इन हिंदी। एंड पीपल हु आर अनकम्फर्टेबल इन हिंदी, आई सजेस्ट यू गो टू माई सेकेंड यूट्यूब चैनल आशीष रंजन। ओवर देयर आई मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोज़ कॉल्ड व्लॉग्स, एंड देयर आई ऑल्सो टॉक अबाउट माई पास्ट एक्सपीरियंसेस। Can never assure that you are going to find the exact same in English version, because I'm just going to make it in a very unscripted form. All right, so you can check it out. Link will be down in the description box. आ जाते हैं हिंदी में। तो start हुआ बहुत पहले 1990s में रांची झारखंड में। तो काफ़ी middle class simple सा family था। पापा मेरे mechanical engineer ही थे और mother मेरी फाइन आर्ट टीचर है अभी भी। अब फादर रिटायर कर चुके हैं, लेकिन ही वॉज इन हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, रांची में ही है। तो ऐसा था, नॉर्मल टाइप का सब कुछ था, लेकिन पढ़े लिखे फादर मदर। लेकिन फिर भी क्या, मैं कभी खास पढ़ता नहीं था, ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हमेशा से थोड़ा बेवकूफ़ सा था। मुझे समझने में थोड़ा हमेशा प्रॉब्लम होता था। तो अगर तुम्हें लगता है कि बाकी लोग मेरे से पहले समझ जाते हैं हर चीज़, तो मैं वहाँ रह चुका हूँ, मुझे पता है। तो कुछ कुछ ग्लिम्स होते हैं ना लाइफ के, जो तुम्हें हमेशा याद रह जाते हैं। तो एक बार बहुत पहले नर्सरी में था मैं उस टाइम पे, वो अभी भी मुझे मोमेंट याद है कि नर्सरी में था। तो उस टाइम पे क्या होता है, लिखना पढ़ना सीखते हैं ना लोग, मतलब अपना नाम लिखो, ये वो, ये लिखो, फल लिखो, ये सब। तो वही चल रहा था, तो टीचर ने बोला कि बच्चों अपना नाम लिखो। मैं बोला कैसे नाम कैसे लिखते हैं, मतलब क्या होता है, किस तरह से हिंदी लिखे, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो क्या है, बच्चे हैं उस टाइम पे, सीख ही रहता सब कोई। लेकिन मैंने घूम के देखा अगल बगल, तो सबने अपना अपना नाम लिख दिया। मैंने अपने बगल वाले से पूछा, भाई कैसे किया तुमने? तो उसने बोला तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला आशीष रंजन। उसने बोला ये देखो ऐसे लिखते हैं। उसने मेरा नाम लिख दिया। मैंने बोला अबे तू मेरा नाम लिख ले रहा है, मैं खुद का नाम नहीं लिख पा रहा। तो इस टाइप का था कि मुझे हमेशा समझने में थोड़ा टाइम लगता था। ऐसे ही आगे भी गया, LKG UKG ऐसे जाते गया, फर्स्ट सेकंड। तो मुझे क्लास में तो कुछ भी नहीं समझ में आता था, घर में पेरेंट्स थोड़ा बहुत पढ़ा देते तो मुझे समझ में आ जाता था, और वैसे ही चलते जा रहा था। लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड तक, फोर्थ स्टैंडर्ड तक सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गया। बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे उसमें। पहला तो था कि मुझे मार्शल आर्ट्स मिल गया था। तो मार्शल आर्ट्स में क्या था कि उस टाइम पे स्टार गोल्ड करके एक चैनल आता था, उसमें हर फ्राइडे या सैटरडे को ब्रूस ली या जैकी चैन का मूवी चलता था। तो वो तो मैं ज़रूर देखता था, और मुझ में भूत सवार हो गया था कि मुझे सीखना है, देखने में बहुत अच्छा लगता था। उसी टाइम पे स्कूल में एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे कराटे क्लासेस स्टार्ट हुए, मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन तो कर लिया, बच्चे कुछ समझ में तो आता नहीं है, क्लास में कुछ सीखा नहीं, बाहर जाके लड़ाई कर लिए, ठीक है। तो ऐसे ही चलता था, और मेरे जैसा मोहल्ला है ना, तो वहाँ पे दो तीन लोग और भी सीख लिए। तो ऐसे हमारा टूर्नामेंट होता था, तो ऐसा होता था ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल किसी को मिला, टूर्नामेंट में तो लड़ी, बाहर आके भी लड़ लिया, तो बस में लड़ लिए, रोड पर लड़ लिए, जहाँ देखो वहाँ पे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए। सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गया था, तो मारपीट बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद उसी के आसपास एक दो साल के अंदर मुझे मिल गया वीडियो गेम। वीडियो गेम्स वो पहले कैसेट वाला आता था, कैसेट वाला जिसमें जॉयस्टिक से खेलते थे, कॉन्ट्रा ये सब गेम्स। तो उसी में पूरा टाइम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, दिन भर खेल रहा हूँ, मन ही नहीं कर रहा छोड़ने का। तो ये सब करते करते पढ़ाई का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता था, एकदम छोड़ ही दिया। तो वही थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक आते आते बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया, कि मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड मुझे याद है, फोर्थ स्टैंडर्ड का जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है। तो वहाँ पे मैं गया, तो क्लास टीचर ने तो अल्टीमेटम दे दिया, बोला कि गया ये तो, कि अगर इसे अभी नहीं सुधारा तो इसका ईयर लॉस हो जाएगा। तो हम लोग का है कि ईयर लॉस हो जाएगा तो बहुत, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन था ये चीज़, मतलब हर साल अगर 50 से 60 लोग हैं तो 2-3 का तो ईयर लॉस होता ही था, मतलब इतने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में फेल हो गया तो लटका दो इसे, वही बोलते थे दोबारा रिपीट, है ना। अभी तो बाद में रूल्स आ गए कि 10th क्लास तक किसी को फेल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए भाई, बच्चे को क्या पता, ठीक है। और मेरे दोस्त संगति में जो लोग थे, मतलब जो मेरे संगति थे, वो लोग ऑलरेडी लटक चुके थे, ठीक है। मेरा ही एक दोस्त थर्ड स्टैंडर्ड में फेल हुआ, और फोर्थ स्टैंडर्ड में मुझे ये बोल दिया टीचर ने कि अगले साल तो गया ही है अगर ऐसी हालत रहा तो। उसे थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, चलते रहा, फिफ्थ स्टैंडर्ड पास किया, लेकिन सिक्स स्टैंडर्ड में मेरा स्कूल चेंज हो गया। स्कूल चेंज हुआ तो मार्शल आर्ट्स छूट गया, लेकिन वीडियो गेम नहीं छूटा। और मार्शल आर्ट्स क्या था ना, उस टाइम पे बच्चे हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि टेक्निक ये होता, उन्हें बस लड़ना समझ में आता। तो क्लियरली हमें कुछ भी नहीं पता था कि हम क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता था कभी कभी स्कूल में सिचुएशन। लेकिन ठीक है, ओवर टाइम जब बाद में मैंने स्टार्ट किया मार्शल आर्ट्स, तब मुझे प्रॉपर टेक्निक समझ में आया, कैसे अपने एंगर को कंट्रोल करते हैं, ये सारा चीज़ समझ में आया, क्योंकि उस तरह से मैंने सीखा, ठीक है।
उसके बाद सिक्स स्टैंडर्ड में स्कूल चेंज हो गया, लेकिन स्कूल क्या हुआ, नया स्कूल में आया तो मैं 2 महीना लेट ज्वाइन किया, ठीक है, मतलब सिक्स स्टैंडर्ड मेरा ऑलरेडी पिछले स्कूल में स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे आके 2 महीना लेट ज्वाइन किया, तो ऑलरेडी मेरा खराबी हालत था, ये किया 2 महीना लेट तो मेरा बहुत ही खराब परसेंटेज आया, ऐसा कुछ 40%, और ऐसे भी ओवरऑल ना मेरा कभी 50-55% से ऊपर नहीं जाता था, कम से कम 9th स्टैंडर्ड तक इतना ही रहता था मेरा, हमेशा के परसेंटेज 50-55 ऐसे ही रहेगा हमेशा, कोई ना कोई सब्जेक्ट में मैं फेल होता रहूँगा, उसी टाइप का रहता था। उसके बाद 6th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ, फिर वहाँ पे टीचर ने बोल दिया ये तो फेल हो जाएगा, उसके बाद मुझे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, फिर सेकंड टर्मिनल में थोड़ा सा नंबर बढ़ाया, कुछ ऐसे 60% ले आया पहली बार, उसके बाद वो 6th स्टैंडर्ड में पास किया। 7th स्टैंडर्ड में फिर से वीडियो गेम का एडिक्शन, क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया था तो कंप्यूटर में गेमिंग स्टार्ट हो गया, तो वही जो भी उस टाइम पे प्रिंस ऑफ पर्शिया, असैसिन्स क्रीड जो भी आता था वही सब खेलते रहता था। और उसके बाद 8th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ठीक हुआ, क्योंकि साइंस में मुझे इंटरेस्ट आने लगा, अब साइंस भी नहीं बस फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगा, और मैथ्स में मुझे कभी भी मन नहीं लगता था भाई, जो भी बोले लोग, मैथ्स मुझे करने का मन ही नहीं करता था, लेकिन बस पढ़ते रहता था, जो भी आया मैथ्स कर लेता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा मुझे, क्योंकि अब चीज़ें बहुत फिजिकल होने लगी, जो तुम इन्वायरमेंट में देख रहे हो, जैसे लाइट कैसे स्कैटर कर रहा है, लेंस कैसे एक्ट करता है, वो सब मुझे समझ में आने लगा, तो बोला कि हाँ ये तो इंटरेस्टिंग है, तो उसमें मैं थोड़ा सा मेहनत करने लगा इन जनरल। तो ऐसे क्या होता था, 9th स्टैंडर्ड तक मुझे फिजिक्स इतना अच्छा लगने लगा ना कि मैं फिजिक्स में टॉप करने लगा, मतलब ऐसा टॉप कि फिजिक्स भी ऐसा था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये 100 नंबर में ही डिफ्रेंशिएटेड रहता था, तो ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री 33 और बायोलॉजी 34 मार्क्स का रहता था ऐसा, तो फिजिक्स में 33 में ऐसे 27-28 ले आया, मैं क्लास का टॉपर बन गया फिजिक्स में, बायोलॉजी में ऐसे 13-12 नंबर ऐसे आया, केमिस्ट्री में भी वैसा ही हालत है, तो ओवरऑल कुछ ऐसा सुधरा नहीं, लेकिन बस हाँ ऐसे परसेंटेज 55-56 में ही चल रहा था। 9th में आके क्या हुआ कि संस्कृत चला गया, अब संस्कृत भी अलग ही था, संस्कृत 8th स्टैंडर्ड तक था तो उसमें मेरा बहुत बुरा हाल होता था, उसमें बस मैं किसी तरह फेल होते होते बचता था, 40-41 आता था, क्योंकि वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था कि क्या चल रहा है इसमें, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था, रट्टा मारने वाला था पूरा, तो वो गया। लेकिन फिर 9th स्टैंडर्ड में पहुँचा तो संस्कृत चला गया, ठीक, तो एक सब्जेक्ट से बच गया जो बहुत बुरा था, लेकिन हिंदी ने संस्कृत का रिप्लेसमेंट कर लिया, तो फिर मैं हिंदी में 40-41-42 आने लगा, लेकिन ठीक है फिर भी जाके मेरा परसेंटेज 61-62 छूने लगा। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, 10th स्टैंडर्ड में ना हमारा कुछ चेंज हुआ था, 2010 बैच जो था उसका क्या हुआ था कि उस टाइम पे उसके पहले तक परसेंटेज आता था, हमारा क्या हुआ कि हमारा CGPA आ गया और 2011 बैच से बोर्ड्स हट ही गया, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, ठीक है, तो CGPA ना बहुत अलग सा चीज़ है, मेरा देखोगे तो CGPA 9.2 था, तो बहुत लोगों को लगे कि बहुत अच्छा CGPA था, लेकिन मेरे खुद के स्कूल में ही कम से कम 10 से 20 लोगों का 10 में 10 आया था CGPA, मतलब सब में 10, मतलब 9700 तक 10 होता है ना, तो सबको सब में 10 आया, बहुत लोगों को पूरा CGPA 10 आया, और 9.2 ऐसे जाके बनता है 87.4%, उसका कुछ फैक्टर दिया हुआ था, लेकिन ऐसे मैं बोलूँ तो वो परसेंटेज ऐसे 75-76 जो आता था ना उसी के हिसाब से था, अगर ICSE में कोई है उस टाइम पे, तो उस टाइप का एवरेज टाइप का आया मेरा परसेंटेज। उसके बाद पहुंचा मैं 11-12 और फिर मैं सोचा कि नहीं अभी मुझे मार्शल आर्ट्स फिर से स्टार्ट करना है इस बार प्रॉपरली, अभी तक मैं जो भी कर रहा था ना नए स्कूल में ऐसा कोई करिकुलम था नहीं, तो मैं अभी तक ऑनलाइन सीख रहा था, करीब 7-8 क्लास में मुझे ऑनलाइन मिल गया बहुत सारे रिसोर्सेज, तो मैं ऑनलाइन सीख रहा था, उसके बारे में मैंने बात भी किया कि मैंने कैसे मैक्सिमम चीज़ बस ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीखा है, ठीक, लेकिन अभी तक ऑनलाइन सीख रहा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मुझे कराटे फिर से स्टार्ट करना है और इस बार मुझे ब्लैक बेल्ट लेना है प्रॉपरली, मतलब इस बार लेना ही लेना है, तो उसका तो जुनून था कि ब्लैक बेल्ट तो लेके ही रहूँगा मैं, ठीक, तो फिर 11-12 मेरा पूरा ऐसे ही गया, ठीक है, कि मतलब मार्शल आर्ट्स अच्छा से करना है, ब्लैक बेल्ट रीच करना है, क्योंकि मुझे पता था 12 के बाद कहीं और पहुंच जाऊंगा, मार्शल आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट तो था लेकिन मुझे इतना पता था कि करियर नहीं बनने वाला इसमें, ठीक, तो उसे तो समझ लिया कि करते रहना है लेकिन साइड में कुछ इंजीनियरिंग ऐसा ही कुछ करना है। और 11-12 में सबने बोला कि भाई ITGE का तैयारी करो, तो मैंने बोला कि ठीक है, और वहाँ पे एक कोचिंग था फिटजी करके, तो फिटजी में मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने से क्या होता है वहाँ पे सारे ही के सारे तेज और पढ़ाना भी अलग ही लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एक लेवल ऊपर से, मैं तो एवरेज टाइप का स्टूडेंट था तो ऐसा कुछ समझ में आता नहीं था, पहला दूसरे क्लास में ही मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, अलग ही लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, ठीक, तो क्लास में इसी लास्ट बेंच में बैठना स्टार्ट किया और कराटे क्लास सीरियसली जाता था, जैसे सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कराटे क्लास गया, उसके बाद ऐसे 9:30 बजे तक फिटजी पहुंच गया और उसके बाद वहाँ पे क्लास किया मरे हुए हालत में, क्योंकि थका हुआ हूँ, ठीक, सुबह सुबह जाके क्लास किया था फिर थका हुआ हूँ अभी, उसके बाद
किसी तरह किया, फिर घर आया, उसके बाद वीडियो गेम अभी भी चल ही रहा था उसमें। तो इतना समझ में आ गया कि अभी तक मेरा साइड बाई साइड मार्शल आर्ट चल रहा था जो कि अच्छा से चल रहा था। एक ही चीज़ था जो मैं अच्छा से कर रहा था, और एक और चीज़ अच्छा से कर रहा था, वीडियो गेम। वीडियो गेम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था भाई। अभी तक मैंने ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया था, बहुत तगड़े तगड़े गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, एक गेम चला था स्काइरम। स्काइरम क्या एडिक्टिव गेम है। उसमें एक तो वो आरपीजी था, ऊपर से वो ओपन वर्ल्ड था, तो फिर मतलब उसमें तुम दिन रात लगा दो, खेलना स्टार्ट करोगे तो 2 साल ऐसे ही पार हो जाएगा, ठीक। उसका GTA 4 भी चल रहा था उस टाइम पे, तो बहुत गेम खेलता था मैं। ऐसा मेरा रूटीन चल रहा था ना उस टाइम पे कि नॉर्मल डे मंडे टू फ्राइडे ऐसा चलता था। सुबह स्कूल जाता था, उसके बाद स्कूल से जैसे ही वापस आता था कोचिंग चला जाता था। कोचिंग में कुछ करता वरता था नहीं, लास्ट बेंच में रहता था मैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और मेरे जैसे बहुत थे जिन्हें समझ में आ गया कि इस कोचिंग से कुछ होने वाला है नहीं, तो 20% पॉपुलेशन ऐसे ही लास्ट बेंच में बैठ के कुछ नहीं करते थे, टाइम पास करते थे। उसके बाद मैं घर आता था, घर आके थोड़ा इधर उधर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस किया करीब 1 घंटा रूम बंद करके, और उसके बाद फिर 10-11 बजे उसके बाद वीडियो गेम खेलना चालू। वीडियो गेम में खेलता था करीब 3 से 4 घंटा, रात को ऐसे ही 2-3 बजे सोता था, और मैक्सिमम टाइम में मैं स्कूल स्किप कर देता था। बहुत ऐसा बहुत होने लगा था कि मैं स्कूल स्किप कर देता हूँ, परसेंटेज ऐसे अटेंडेंस का 75% ऐसा कुछ हो गया, तो बहुत ही बुरा हाल है। ऐसा चलते रहा, लेकिन मार्शल आर्ट्स में अच्छा से कर रहा था, उसमें मेरा टारगेट था। और मतलब 12th क्लास में आते आते मैं ऐसा कुछ पर्पल बेल्ट ऐसा कुछ हो गया था, और टारगेट था कि ब्लैक बेल्ट पहुंच जाना है, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि ये हो नहीं पाएगा। तो उसके बाद मैंने कॉलेज जाने के बाद भी अपना मार्शल आर्ट्स कंटिन्यू किया, और कॉलेज में रहते रहते ही मुझे फाइनली ब्लैक बेल्ट मिला था, ठीक। और ये हो गया, तो वीडियो गेम अच्छा से चल रहा है, मार्शल आर्ट अच्छा से चल रहा है, और पढ़ाई बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। 11th क्लास में, अभी देखो 9th-10th क्लास में मैं फिजिक्स का टॉपर हो गया था, और 11th में आके मैं फिजिक्स में फेल हो गया, ठीक, क्योंकि पढ़ूंगा ही नहीं तो क्या होगा, ठीक। तो अच्छा तो लगता था लेकिन बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया था उस टाइम पे, और ये जो कोचिंग की वजह से और भी मेरा टाइम जा रहा था। और कोचिंग में तो इतना बुरा हाल हो गया था कि बहुत लोग स्टूडेंट्स लोग बंक मारते थे, मैं भी कभी कभी बंक मार के निकल जाता था। और वो देखे हो ना मूवी MS धोनी पे मूवी, अरे उसमें देखा है एक स्टेडियम रहता है जहाँ पे वो पहली बार खेलता है, उसे मैकॉन स्टेडियम कहते हैं, वहीं पे हम लोग रहते थे पहले। तो उस स्टेडियम में ही क्या होता था कि बंक मार के लोग मैक्सिमम लोग वहीं पे जाते थे। तो वहाँ पे देखोगे साइड में जो बैठने वाला है ना ऑडियंस का, वहीं पे कुछ मेरे दोस्त लोग थे, वो लोग जुआ खेलते थे वहाँ पे। मैं तो नहीं खेलता था लेकिन मैं कभी कभी बैठ के उन लोगों को देखते रहता था। ऐसा नहीं कि वो लोग जुआ खेल रहे हैं तो बर्बाद कर रहे हैं, अरे वो लोग बहुत आगे पहुँच गए भाई अभी, ठीक है। एक लड़का वहीं पे जुआ खेलता था, वो बहुत टॉप का रैंक लाया कुछ MUGET एग्जामिनेशन में, मेन मणिपाल में उसने एडमिशन लिया, और फाइनली शायद माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में उसका प्लेसमेंट हुआ है, 2-3 साल पहले की बात है। दूसरा लड़का ने भी टॉप रैंक लाया ऐसे BIT सिंदरी में जाके, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा कोई अच्छे जगह पे ही है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बाकी लोग जो थे वो बर्बाद हो गए होंगे, ठीक है। और बहुत ही चलता था उस टाइम पे 11th-12th में, तो बहुत सिगरेट तो बहुत कॉमन हो गया था, बच्चों ने सब फूकना स्टार्ट कर दिया था, और दारू भी काफ़ी कॉमन हो गया था, बहुत लोग जाके अल्कोहल भी लेते थे। लेकिन मैं ये सिगरेट और अल्कोहल से दूर रहता था, उसका बस एक रीज़न था मार्शल आर्ट्स। क्योंकि क्या होता है ना, लोग समझते नहीं है, सिगरेट से बहुत ज़्यादा स्टैमिना कम होता है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। लेकिन क्या होता है ना, तुम अगर मान लो बास्केटबॉल खेल रहे हो उसमें तुम्हारा स्टैमिना कम है, वो बहुत अलग है कि तुम मार्शल आर्ट्स कर रहे हो और उसमें तुम्हारा स्टैमिना कम है। क्योंकि मैं मतलब रेगुलर बेसिस में ऑलमोस्ट वीकली बेसिस में मैं स्पार तो करता ही था, कम से कम कम्पीट कभी कभी करता था लेकिन स्पार तो करता ही था अपने ऐसी प्रैक्टिस के लिए। अब तुम अगर फाइट में पार्टिसिपेट कर रहे हो और तुम्हारा स्टैमिना फाइट के बीच में चला गया ना, तो तुम बस फाइट को हारोगे नहीं, तुम पिटोगे भी बहुत बुरी तरीके से हारने से पहले। तो उसके वजह से मैंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, अभी भी नहीं लगा कभी भी। अल्कोहल को मैंने बस इसलिए हाथ नहीं लगाया क्योंकि मैंने बस सोच लिया था कि इससे कोई फ़ायदा है नहीं, ये अच्छा चीज़ नहीं है, ये जो अपने सराउंडिंग में मैंने देखा उससे मुझे समझ में आया। और मैंने बोला था कि मैंने लाइफ में मुझे लाइफ में कभी भी अल्कोहल को टच नहीं करना। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी टच नहीं किया, बाद में किया, लेकिन ऐसा कभी भी मेरे को कभी मज़ा नहीं आया उसमें, ठीक है। तो ऐसा ही चलते रहा, 11th-12th तो बिल्कुल ऐसा ही जा रहा है। उसके पहले 9th-10th में भी मैंने एक कोचिंग लिया था, कोचिंग नहीं ट्यूशन टाइप का होता है ना, ट्यूशन टाइप का। तो क्या करते हैं ना बच्चे, सीधा जाते हैं सोचते हैं ट्यूशन पढ़ लूँगा या फिर पढ़ लूँगी तो क्या होगा कि मेरा हो जाएगा, मतलब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। अल्टीमेटली उस बच्चे को जब खुद ही होश आएगा कि मुझे कुछ करना है तभी कुछ होने वाला है। तो 9th-10th में भी ऐसे ही ट्यूशन जाता था, कुछ समझ में आता नहीं था, वापस आ जाता था, कुछ खास ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा था, बस जा रहा था आ रहा था क्योंकि सभी कोई कर रहे हैं, बस यही बात था। और उसमें भी कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मुझे अभी भी याद है उस ट्यूशन टीचर ने ऐसे ही वो वीकली क्विज़ लेती थी,
और एक बार मेरे क्विज में ऐसे ही 20 में से 4-5 नंबर आए होंगे, बहुत कॉमन था, लेकिन ऐसे 2-3 बार बहुत कम नंबर आए। तो उसने बोला कि मैं सीधा तुम्हारे घर पे फ़ोन कर रही हूँ। तो मेरे और क्लास, पूरा क्लास बैठा हुआ था, ठीक है, पूरा क्लास में कितने लोग होंगे, 20 से 30 लोग होंगे, तो क्लास पूरा बैठा हुआ था। उसने फ़ोन किया, पता नहीं मेरी मम्मी उठाई कि मेरे पापा उठाए। उसने बोला सीधा, अरे सुनिए, ये आशीष रंजन है ना, इसे घर ले जाइए, ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये रिक्शा चलाएगा, ऐसे बोला। मैंने बोला कि अरे भाई ऐसा मत करो यार, क्योंकि पेरेंट्स घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है, वो कितना ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो ऐसा करके सीधा टीचर वीचर बोल देते, फ़ोन करके, आपका बेटा रिक्शा चलाएगा, इसे कुछ होगा होगा नहीं होगा। तो टीचर्स भी तो एक नंबर के होते हैं, ठीक। वैसे ही ऐसा टीचिंग विचिंग कोचिंग ट्यूशन व्यूशन चला मेरा 9-10 में, उसके 11-12 में मैंने ये कोचिंग ज्वाइन कर लिया। कोई ना ट्यूशन का भी हेल्प किया, ना कोई कोचिंग हेल्प किया, ना 50 बुक जो मैंने खरीदे वो भी कभी हेल्प नहीं किया। ऐसा भी होता है ना, स्टूडेंट्स देखा देखी करेंगे, ये बुक खरीद लेते, आर डी शर्मा खरीद लेते, एस सी वर्मा खरीद लेते, पढ़ेंगे कुछ नहीं, बस बुक खरीद खरीद के रखेंगे, उसके बाद एंड में जब एग्ज़ाम पास आने लगेगा ये गाइड खरीद लेते हैं, वो गाइड खरीद लेते हैं, उसे भी पढ़ने का है नहीं। अल्टीमेटली तो तुम्हें पढ़ना ही होगा, पढ़ना होगा तो एक बुक भी पढ़ लोगे, नहीं तो 10 बुक भी छोड़ के रखोगे, है ना। तो ऐसा ही चलता रहा काफ़ी टाइम तक। लेकिन एक बात है भाई कि 11 एंड 12 में कम से कम मार्शल आर्ट्स ने तो मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं थोड़ा अलग ही फील्ड में, गंदे फील्ड में चला जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। बस इसके वजह से कि कम से कम मुझे अपना हेल्थ का फिक्र था उस टाइम पे भी, और उसका एक रीज़न था कि कम से कम एक पैशन मुझे मिल गया था उस टाइम तक कि हाँ मार्शल आर्ट्स में मुझे मज़ा आता है, इसमें मुझे ग्रो करना है। पता था कि करियर नहीं है इसमें कुछ ज़्यादा, लेकिन ग्रो तो करना है इसमें, और इसे रखना है अपने साथ हमेशा, क्योंकि वो मुझे अलग सा कॉन्फिडेंस भी दे रहा था। और क्या होता है ना, जब स्टूडेंट टीनेज होता है ना, तो बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा, कभी बहुत ज़्यादा सैडनेस, कभी कुछ समझ में आ नहीं रहा, दुनिया तो देखा नहीं है। तो इन सब चीज़ों से कोप करने से कोई, बस मार्शल आर्ट्स नहीं बोलूँगा, कोई भी स्पोर्ट ज़रूर हेल्प करता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो यही था, ऐसा पूरा स्कूल लाइफ चला। और ये कोई आइडल स्कूल लाइफ नहीं है, ये कोई रोल मॉडल नहीं है, और ये मत सोचना कि ऐसा स्कूल लाइफ के बाद भी अगर तुम इसरो साइंटिस्ट बन सकते हो तो मैं भी एकदम मस्त मज़े करूँगा, अभी ये वो करूँगा, नहीं भाई, गलती था और उसका चुकाया भी मैंने अच्छे तरीके से। जब मैं फाइनली बीटेक में घुसा फर्स्ट ईयर, फाइनली ये क्या हुआ कि फिडजी आईआईटी का कोचिंग वोचिंग करने से क्या ही होता है, उसका जो टेस्ट सीरीज था वो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। आईआईटी का एग्ज़ाम दिया तो भाई 3 घंटे का एग्ज़ाम था, मैं 2.5 घंटे में ही निकल गया, कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या दिया हुआ है कभी भी पेपर में समझ में नहीं आता, क्या क्वेश्चन है, कुछ भी पढ़ा ही नहीं तो क्या ही कर लोगे, तैयारी था नहीं कुछ, वो तो बस घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ने के लिए बैठ जाता था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था मुझे, ठीक। तो फाइनली आईआईटी जेईई का भी एग्ज़ामिनेशन ऐसे ही दिया, और AIEEE भी ऐसा ही दिया, कुछ भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया पेपर में, चला गया। आईआईटी जेईई तो ऑब्वियसली मेरा क्वालिफाई नहीं किया, ऑब्वियसली, ठीक, कोचिंग का पैसा बर्बाद हुआ वो अलग, और AIEEE में चूंकि सबको रैंक मिल जाता है तो मुझे भी मिल गया, रैंक मेरा 3,75,000 था। और फाइनली कॉमेट के का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी जैसे तैसे करके ही निकल गया, 60 मार्क्स कुछ ऐसा वैसा आया, और रैंक मुझे लगता है कुछ 20,000 ऐसा कुछ रैंक आया था। और वेस्ट बंगाल जेईई दिया, उसमें मुझे लगता है 36,000 ऐसा कुछ रैंक था, या फिर 3600 था, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा रैंक नहीं था कि कुछ मिल जाएगा। झारखंड कंबाइन दिया, उसमें भी ऐसा 10,000 कुछ ऐसा रैंक था, तो कुछ भी कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं, टॉप का कॉलेज तो भूल ही जाओ। और फाइनली एक MUGET करके एग्जामिनेशन होता है जो मणिपाल का होता है, मणिपाल के 3 सेंटर, एक मेन मणिपाल, एक सिक्किम मणिपाल, और एक जयपुर मणिपाल, नया नया खुला था उस टाइम पे, 2 साल हुआ था शायद उस टाइम पे। तो उसमें मेरा रैंक है 17,504, और उसमें मेन मणिपाल तो मिला ही नहीं, जयपुर मणिपाल भी फिल हो चुका था, और सिक्किम मणिपाल में कुछ सीट्स बचे थे, आईटी में EEE में 4 सीट बचे थे, और फिर इसमें अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऐसे सीट्स बचे थे। तो मुझे ऐसे जाके आईटी का लास्ट सीट मिला था मुझे, और उसी को मैंने ले लिया कि भाई कुछ नहीं मिलेगा, इसे ले ले कम से कम। उसके बाद जब मैं कॉलेज घुसा तो मुझे समझ में आ गया कि घनघोर गलती हो गई हमसे, बहुत बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, एकदम फालतू जगह में पहुंच गए, और यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी यहाँ से भी सब कोई भागने के चक्कर में है ना। हर कॉलेज में जब भी तुम घुसोगे ना तो ऐसे ही होगा कि नहीं, मेरा तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में है, वहाँ पे चला जाओ। मैंने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो यही है। तो मुझे समझ में आ गया, और उसके बाद देखा कि मैंने प्लेसमेंट वेसमेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो मैंने बोला कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, और उसके बाद तो अच्छा से किया, उसके बाद कि मतलब हाँ अब तो पढ़ना ही है, तो पढ़ना ही है, नहीं तो फिर बर्बाद ही होते जाएंगे इस तरह से हम आगे।
तो उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट किया तो इंटरेस्ट आया काफ़ी, इंजीनियरिंग मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अभी तक का जो भी था उसमें कुछ खास फिजिकल मुझे दिखता नहीं था, लेकिन इंजीनियरिंग में सच में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। और स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब मैं पढ़ने लगा, उसमें एक सब्जेक्ट था एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो मैं जब पढ़ने लगा तो मुझे समझ में आ गई कि हाँ मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है। लेकिन मेरा ब्रांच था आईटी, लेकिन मैंने सीजीपीए में 4 डाला, 9.42 सीजीपीए आया फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में मेरा 9.78 आया, अल्टीमेटली 9.6 सीजीपीए बना और मुझे मनचाहा ब्रांच मिल गया। उस टाइम पे मुझे कुछ भी मिल जाता, सीएसई भी मिल जाता, ईसी भी मिल जाता, क्योंकि मैं अपने सेक्शन का तो टॉपर था ही। उस टाइम में सीधा रैंक वन पहुंच गया मैं। उसमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हुआ पहले पहले, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना, लेकिन बाद में समझ में आ गया। मेरा फाइनल सीबीएसई का 12th बोर्ड का परसेंटेज बना 75%, जिसमें मेरा फिजिक्स में 61 मार्क्स था, क्योंकि वहाँ पे तो 30 नंबर तुम्हें प्रैक्टिकल में ही दे देते हैं, 30 में से 29 नंबर ठीक। और मैथ्स में मेरा 53 बना, और केमिस्ट्री में भाई मैंने 4 डाला, 82 लाए थे मैंने केमिस्ट्री में। तो वैसे करके पीसीएम में मैंने कुछ 65 मार्क्स मेरा बना, 65% मेरा बना केमिस्ट्री में, और ओवरऑल इंग्लिश में भी मेरा अच्छा था, 81-82% मार्क्स था इंग्लिश में। तो ऐसे करके ओवरऑल परसेंटेज मेरा 75 बना। एक और सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस, उसमें भी मुझे ऐसे कुछ 70 मार्क्स आए थे। तो ऐसा होके कार्यक्रम ख़त्म हुआ स्कूल डेज का। तो ऐसा चलते रहा, मैक्सिमम चीज़ मैंने कवर कर दिया। एक स्ट्रेच में बोला तो हो सकता है बीच में आवाज़ आ रहा था तो बीच में कट करना पड़ा, लेकिन जो भी मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया। इसके अलावे अगर तुम्हें कुछ लगता है कि मेरे को कवर करना चाहिए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में डाल दो। लेकिन ये कोई आइडल नहीं था स्कूल लाइफ, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि तुम कुछ भी करोगे तो उसे चुकाना नहीं पड़ेगा, चुकाना पड़ा भाई मुझे, 6 साल चुकाना पड़ा। और बहुत बार मुझे रिग्रेट भी हुआ कि मैंने उस टाइम पे पढ़ाई क्यों नहीं किया, शायद अच्छे कॉलेज में रहता तो ज़्यादा एक्सपोजर मिलता, प्लेसमेंट भी नहीं हुआ फाइनली मेरा। फाइनल मेरा सीजीपीए 9.57 बना 8 सेमेस्टर में, लेकिन मैं अनप्लेस था, मुझे कोई प्लेसमेंट नहीं मिला, कुछ गेट का वहाँ पे कुछ माहौल भी नहीं था, तो गेट में भी ऐसा कुछ 9008 रैंक लाया, तो बुरा हाल था भाई। अगर एक बार तुम मज़े करोगे तो उसे चुकाना भी पड़ेगा। तो ऐसा नहीं बोल रहा कि जो भी है रटते जाओ और पढ़ते जाओ और नंबर लाते जाओ, लेकिन इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है किसी भी टाइम पे। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, करना है तो अच्छा से करना, नहीं तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा था। और उसके बाद कॉलेज में जाके मुझे लगता 4th सेमेस्टर के आसपास मुझे ब्लैक बेल्ट भी मिल गया। ऐसा करता था मैं, कॉलेज में भी ट्रेन करते रहता था, प्रैक्टिस करते रहता था, फिर समर वेकेशन आया तो जाके एक दो एग्जामिनेशन, 2-3 बेल्ट का एग्जामिनेशन साथ में दे देता था। और ऐसे करते करते टीचर से, वो जो कोच थे मेरे कराटे के, उससे बात करते रहता था, वो बता देता था कि हाँ ठीक है इस टाइम पे है एक एग्जामिनेशन, तुम दे देना, ये सब प्रैक्टिस कर लो, काता ये सब प्रैक्टिस करता था, जाके रियाज करके दे देता था एग्जामिनेशन। ऐसे करते करते बेल्ट ले लिया मैंने, ठीक। उसके बाद पहले वो होता है कि बाद में जाके ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन से वो मिलता है, पहले शायद वर्ल्ड कराटे फेडरेशन तो बाद में होता है, हाँ पहले शोटोकन कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया से मिला। उसके बाद मुझे लगता है 6-7 सेमेस्टर में जाते जाते वो ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन से भी सर्टिफाई हो गया मेरा बैग। बट तो ऐसा था भाई, कुछ तो ठीक से किया, वीडियो गेम बहुत अच्छा से खेला भाई। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा तो मुझे समझ में आ गया, देखो मार्शल आर्ट्स को मैं एलिमिनेट नहीं करना चाहता था, कि वो एक ही चीज़ था जो अच्छा था मेरे लाइफ में, लेकिन वीडियो गेम को मैंने पूरी तरह एलिमिनेट किया, पूरी तरह देखना ही बंद कर दिया मैंने, सारे के सारे अनइंस्टॉल मारे, खेलना ही नहीं अब। क्योंकि उसमें अगर घुसे तो तुम्हें पता है कि कॉलेज में लोग कितना टाइम बर्बाद करते हैं वीडियो गेम में, कितना टाइम बर्बाद करते हैं, पूरा कॉलेज बर्बाद कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता। अभी स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेमेस्टर, अभी 8 सेमेस्टर पहुंच गया, क्या कर रहे थे बीच में, वीडियो गेम खेल रहे थे, ठीक है। तो ऐसा था, ड्रग्स वर्क से भी दूर था मैं पूरे कॉलेज लाइफ भी मैंने अल्कोहल टच नहीं किया। अल्कोहल मैं बताता हूँ पहली बार मैंने कब पिया, जब मैं बार छोड़ रहा था, तब मेरा जब रेजिग्नेशन लेटर अटेस्ट हो गया था ना, मतलब रेजिग्नेशन लेटर बोल दिया कि हाँ क्या एक्सेप्ट हो गया, तब मैंने पहली बार अल्कोहल टच किया था। और उसके बाद भी मुझे कभी लत नहीं लगा, ऐसे कभी मन भी नहीं किया मुझे, क्योंकि जिस चीज़ में फ़ायदा नहीं उस चीज़ को मैंने करना ही छोड़ दिया अपने लाइफ से। इसीलिए मैंने कभी सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया कि इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, छोड़ो इसे, समझ में आ गया। चलो फिर इसे ख़त्म करते हैं यहीं पे, उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा लगा। बस ऐसा कुछ मोटिवेशनल स्टोरी मैंने बनाने का कोशिश नहीं किया, कुछ भी नहीं है ऐसा, मैंने बस अपना बताया कि क्या था। क्योंकि बहुत लोग ऐसे 11-12 वाले लोग मुझसे आके पूछते हैं ना, बता दो हमें आईटी जेई कैसे क्रैक करना है, तो देखो भाई ऐसे मैंने क्रैक किया था, तो मैं परफेक्ट आदमी नहीं हूँ। अगर मैं कभी वीडियो बनाऊँगा भी कि आईटी जेई कैसे क्रैक करना है, तो हो सकता है मेरे जो कुछ दोस्त लोग थे इसरो में जो आईटी के थ्रू आए थे उनसे बात करके बनाऊँगा, खुद तो मैं नहीं बनाने वाला भाई, वो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाएगा तुम लोगों के लिए, ठीक है।
चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, कमेंट करो नीचे हैशटैग और चाहिए अगर तुम्हें और चाहिए तो, और थम्सअप, और लोगों को शेयर करो ताकि थोड़ा आइडिया मिले लोगों को। देखो एक चीज़ तो बस ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं फॉलो करो जो मैंने किया, ऑब्वियसली मत करो, लेकिन एक चीज़ है अगर तुमने भी मेरे जैसे गलतियाँ करी हैं तो तुम्हारे लिए अभी भी वो पॉसिबल है, बस इतना चीज़ शायद तुम्हें समझ में आ जाए। एक ही अगर मीनिंग बन सकता है इस पूरे वीडियो का तो वो है, और कुछ नहीं। और हो सकता है मैंने 12th तक बर्बाद किया, हो सकता है तुमने बीटेक तक बर्बाद किया, लेकिन अभी भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिला है। कभी भी अगर तुम जिंदा हो तो कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हो, बेटर तो ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बेस्ट होगा कि नहीं, नहीं बेटर कर सकते हो तुम, जो भी है अपना लाइफ को सुधार सकते हो, बस इतना करो काफ़ी है वो, ठीक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।